राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा अधीनस्थ चयन बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक भर्ती में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की विसंगतियों से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों को वापस लेने, विसंगतियां दूर करने और जूनियर असिस्टेंट का डाटा विद्युत विभाग भिजवाने, कंप्यूटर अनुदेशक दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जारी करवाने एवं प्रयोगशाला सहायक और JEN भर्ती का परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। उपेंद्र यादव ने बताया कि घेराव के बाद 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से वार्ता हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में EWS OBC के अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। जिन्हें आवेदन की अंतिम तिथि तक EWS OBC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की वजह से बाहर किया गया था और जल्द संशोधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती एवं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में नवीनतम OBC सर्टिफिकेट लागू करने के संबंध में कहा है कि उन्होंने इस संबंध में सरकार को अभ्यर्थियों के पक्ष में पॉजिटिव लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाए। अन्य भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।